ओके तो नेक्स्ट नोमेरिकल ने देखो क्वेश्चन नंबर टू अ मेटेलिक वायर इज स्ट्रैच टू डबल इट्स लेंथ एजूमिंग नो चेंज इन डेंसिटी ऑन स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग के बाद डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ ठीक है डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम मास तो सेम रहेगा यानी वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा तभी डेंसिटी सेम हो सकती है फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ठीक है तो देखो मेटेलिक वायर पहले था कोई लेंथ ली उसके हमने सपोज एलवन ले लेते हैं ठीक है तो डबल करने के बाद कितनी हो जाएगी वो ट्वाइस एल वन यही होगी ठीक है ना वॉल्यूम रिमेन सेम ठीक है वॉल्यूम रिमेन सेम इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन यूज़ की थी ए वन एल वन इक्वल टू ए टू एल टू यहाँ भी वही रहेगी ठीक है इट मीन्स ए वन बाय ए टू क्या हो जाएगी एल टू बाय एल वन हो जाएगी क्लियर अब यहाँ पे बताओ जो लेंथ है वो कितनी हो गई थी डबल हो गई थी यानी जो एल टू लेंथ है वो कितनी हो जाएगी ट्वाइस आइज ओरिजिनल लेंथ टू टाइम्स एल वन हो जाएगी L1 से L1 कैंसिल ए वन बाई ए टू की वैल्यू कितनी आ गई टू के इक्वल आ गई क्लियर अब हमें रेजिस्टेंस की रेशो फाइंड आउट करनी है तो रेजिस्टेंस देख लो सपोज पहले था आर वन रो एलवन बाई ए वन एंड आर टू इज रो एल टू बाई ए टू यही होगा ठीक है जब डिवाइड करेंगे आर वन आर टू को रेशो फाइंड आउट करने के लिए तो हमें रेशो फाइंड आउट करनी है इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ठीक है यानी ऊपर इनिशियल रखना है आर वन बाई आर टू की रेशो हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे तो इट मीन्स आर वन बाई आर टू क्या होगा रो एल वन बाई ए वन डिवाइड बाई रो एल टू बाई ए टू क्लियर रो से रो कैंसिल ये आ गया एल वन बाई ए वन इंटू ए टू बाई एल टू यही होगा तो रजिस्टेंस की रेश हो आर वन बाई आर टू by क्या आ गई एल वन बाई एल टू और यहाँ पर क्या आया है ए टू बाई ए वन हमारे पास किस की वैल्यू आई थी ए वन बाई ए टू की ए वन बाई ए टू की वैल्यू थी टू ठीक है तो ए टू बाई ए वन की वैल्यू क्या होगी वन बाय टू हो जाएगी यही होगी और ये दोनों इक्वल भी हैं ए वन बाय टू किसके इक्वल है एल टू बाई एल वन के ठीक है तो ए टू बाई ए वन को हम क्या लिख सकते हैं एल टू बाय वन या एल वन बाय एल टू को क्या लिखेंगे ए टू बाय वन इट मीन्स ए टू बाई ए वन का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा क्लियर है ठीक तो ए टू बाय एवन की वैल्यू पुट कर दो वन बाई टू वन बाय टू का स्केयर हो जाएगा तो आर वन बाय आर टू हमारा आ गया वन बाय फोर यही रेशो फाइंड आउट करनी थी क्लियर रेशो फिनिशियल अपॉन फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू वन बाय फोर समझ आई बात ओके